बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर असेसमेंट फॉर द मंथ जून 2020। इन दिस असेसमेंट वी हैव 50 मार्क्स इन टोटल फॉर कंप्यूटर साइंस असेसमेंट एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 1.5 आवर। We have overall 2 sections in this first paper. Section A will have 2 questions. Question number 1 and 2 are in section A, and question number 3, 4 and 5 are in section B. Question number 1 and 2, what are these questions? These are MCQs and match column questions. Question 3, we have short questions. Question number 4, here you have to write down the keyboard shortcuts for commands. And in question number 5, we have the command flows for different given commands. Dear students, during this assessment, we have to observe certain rules. And what are these rules? As I have told you that your paper duration is 1.5 hour. So this time starts from 11 a.m. to 12:30 a.m. today. Then comes your paper attempt rules. As you have collected your answer sheets from MPS or you have purchased at your own, you have to draw a proper margin on your answer sheet, and you have to write down the date at your top margin of the page. Then you must have to mention your name, father name, roll number, class and section with your current subject. It means your computer science subject name at your answer sheet, and this name must be at every page of your answer sheet. Okay, ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपने अपनी answer sheet की setting को overall बहुत proper रखना है। आपने अपने हर पेज के ऊपर मार्जिन ड्रॉ करने हैं और इन मार्जिन्स पर और उनके बाद फर्स्ट सेकंड लाइंस पर ये इंफॉर्मेशन ज़रूर लिखनी है और हर पेज पर लिखनी है। इसलिए कि आपने क्या करना है, जब आपने पेपर सबमिशन करनी है तो पिक्चर्स के थ्रू करनी है, तो पिक्चर्स के थ्रू करने के लिए फिर आपने अपने हर पेज की जब पिक्चर लेनी है तो उस पर ये इंफॉर्मेशन होगी, तो तब आपका पेपर रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा। ओके, ड्यूरिंग योर पेपर टाइम इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन टू आस्क, देन व्हाट यू विल डू, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है बेटा वो आपने मेरे पर्सनल नंबर पे पूछना है, व्हाट्सएप करना है मुझे अपना मैसेज और आपको उसका आंसर आपकी व्हाट्सएप क्लास ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, पेपर सबमिशन टाइम क्या है आपके पास? आपका पेपर सबमिशन टाइम स्टार्ट होता है 2 बजे से शाम 4 बजे तक, ठीक है। 11 से 12:30 तक आपके पास पेपर अटेम्प्ट है और उसके बाद पेपर सबमिशन टाइम आपका 2 से 4 बजे तक है। अगर आप इससे पहले भी कर लेते हैं 12:30 तक पेपर कंप्लीट हो जाता है, और आप 4 बजे तक के टाइम के दौरान ये अपना पेपर सबमिशन करवा सकते हैं। ओके, बट जो आपके पास ऑफिशियल टाइम है वो 2 से 4 बजे तक है। आप इससे पहले तो करवा सकते हैं लेकिन इसके बाद आपने नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि आपका पेपर जो है विद इन टाइम सबमिट हो जाए।
कैसे सबमिट करना है? फॉर्म ऑफ सबमिशन, फॉर्म ऑफ सबमिशन इज यू हैव टू टेक पिक्चर्स ऑफ योर आंसर शीट एवरी पेज, जहाँ पर आपके आंसर्स हैं आपने उनकी पिक्चर्स लेनी है और वो सबमिट करानी है. वेयर टू सबमिट, आप ये पेपर अपना आंसर शीट कहाँ सबमिट करेंगे, ये आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट करानी है. नॉट इन क्लास ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके पेपर ड्यूरेशन के दौरान आपका ये ग्रुप क्या होगा, एडमिन ओनली रहेगा. लेट सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी एक्सेप्ट जेन्युइन रीजन. एंड इज ऑल ऑफ अस नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपके ये असेसमेंट्स बेटा ड्यूरिंग दिस COVID-19 ऑनलाइन हो रहे हैं और इस पेपर अटेम्प्ट के दौरान आप अपने घर पर मौजूद हैं, आपको आपके पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो हमारे साथ हर वक्त होता है, जो हमारे हर गुड और बैड डीड को देख रहा है, हमें ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे हम कहीं छुप नहीं सकते, तो आपने उस ऑब्जर्वर को सामने रखते हुए अपना पेपर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर रहते हुए अटेम्प्ट करना है. नो यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स. ओके, हाउ यू विल अटेम्प्ट योर पेपर? इस अटेम्प्ट के दौरान बेटा आपके सामने स्क्रीन आपको बता रही होगी कि आपकी आंसर शीट जो है वो किस तरह से एक लेआउट आपने कंप्यूटर साइंस के लिए बनाना है. इसमें आपके पास चीज सबसे पहले पेज पे जब आपने पेपर स्टार्ट करना है तो अपने फर्स्ट शीट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लाजमी है कि आप लिखें. स्कूल का नाम लिखिए, जून असेसमेंट 2020. उसके बाद ये आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी हर पेज पे मस्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट, डेट, नेम, क्लास रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन. ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपके हर पेज पर होनी मस्ट है. उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फॉर MCQs. तो उसके लिए आप इस तरह से एक टेबल सा बना लें और उसमें आपके 20 MCQs हैं तो उनको फर्स्ट कॉलम में लिस्ट कर लीजिए 1 to 20. और उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम जो होगा करेक्ट ऑप्शंस का, तो MCQs के अंदर आपको एक स्टेम के साथ 4 ऑप्शंस जो दी हुई हैं, एक क्वेश्चन जो आपके MCQs का है उसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट वन जो करेक्ट वन ऑप्शन है उसको उसके नंबर के साथ ABCD की सूरत में आपकी ऑप्शंस दी हुई हैं, तो उनमें से A करेक्ट है, B है, C है, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने करेक्ट ऑप्शन के कॉलम में उसका जो सीरियल नंबर आपकी क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ है ए है बी सी डी उसके लिहाज से आपने क्या करना है, राइट कर देना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मैच कॉलम. मैच कॉलम के अंदर आपके पास कॉलम ए में 5 आइटम्स हैं और कॉलम बी के अंदर 6 आइटम्स हैं. आपने अपनी आंसर शीट पर ए बी के साथ एक करेक्ट मैच का कॉलम बना लेना है और करेक्ट मैच के अंदर अब आपने क्या करना है, जो एक कॉलम ए का आइटम फर्स्ट वन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आपको बी में मिलता है कॉलम बी के अंदर वो आपने करेक्ट मैच के कॉलम में विद सीरियल नंबर लिख लेना है. जिस तरह ये एग्जांपल जो दिया हुआ है, कॉलम ए में रैम मौजूद है नंबर 1 पर और कॉलम बी में सी पर है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये हमने करेक्ट मैच में राइट कर लिया. तो इसी तरह आपने बाकी भी आइटम्स को राइट करना होगा, इसका करेक्ट मैच आपने लिखना होगा करेक्ट मैच के कॉलम में. उसके बाद बेटा हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर हमारे पास ओवरऑल 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, जिनको चारों को आपने आंसर करना होगा और उनमें से हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है. ओवरऑल आपका क्वेश्चन नंबर 3 16 मार्क्स का हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जिसमें आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखने हैं कमांड्स के, इसमें 4
कमांड्स दी गई हैं जिनके आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखने हैं और हर कमांड का शॉर्टकट एक नंबर का हुआ, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कमांड फ्लोज का है, इसमें 5 कमांड्स आपको दी गई हैं जिनके आपने कमांड फ्लोज लिखने हैं और कमांड फ्लोज में हर एक कमांड का जो नंबर होगा हर कमांड फ्लो का वो 1 है। सो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 कितना हुआ, 5 मार्क्स का। सो ओवरऑल आपका सेक्शन बी 25 मार्क्स का है और सेक्शन ए भी 25 मार्क्स का है और आपका ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का। होपफुली बेटा आपको अपना पैटर्न विद अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मसाइल आते हैं बेटा ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आपको क्लास ग्रुप के अंदर आंसर हो जाएगा। ओके, विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।